चेंज करने लगे हो फिर से? ये तो आपने कल भी पहनी थी। ये मिस्टर तिहामी जो है वो जरा भी हमने कहीं जाना होता है, ये तिहामी की वार्डरोब है। तिहामी की मर्जी होती है, तिहामी ने क्या शर्ट पहननी है, क्या पैंट पहननी है, क्या शूज पहनने हैं ना। शूज की भी वार्डरोब है, इस साइड पे भी है, दूसरी साइड पे भी है। माशाल्लाह वाजी वाह। तिहामी को शूज का तो बहुत शौक है और इसको हर वक्त रेडी होने का इतना शौक है ना, अपनी मर्जी से कपड़े चूज करते हैं। ये दोनों मेरे भी। और मिशी, मिशी को भी फिर मैं यही वाली पहना देती हूँ अगर ये वॉश नहीं हुई भी, क्योंकि प्रेस हुई भी है ना, फिर मिशी को भी आप जैसी सेम पहनाती हूँ। यार आज सेम ड्रेसिंग करो ना दोनों। मिशी की पड़ी हुई है वो वाली? नहीं, मिशी की नहीं पड़ी हुई है। कौन सी पड़ी है? ये वाली पड़ी हुई है, ये आई एम सुपर कूल। चलें ये पहन लो, निकालो ये वाली पहन लो ना, ब्लू वाली। ब्लू वाली रहने दो अभी, अब मैंने ये निकाल ली है। और नहीं नहीं तय, ये काम उसके सामने ना करो बेटा, वो घुस जाएगा किसी दिन। कभी ना करो उसके सामने। और मिशी के वो वाली कंफर्टेबल है, जीन्स कहाँ है ये? जी जी अच्छा अच्छा मोबाइल चल जाती। और मिशू कपड़े चेंज करें, आ जाओ मिशी बेबी, आ जाओ चेंज करें। ओ ये भी मैंने बीच में रखना फीडर। ओ सलमान खान फेस दिखाओ। बेटा वो इंशाल्लाह आप जब ग्रो अप कर जाओगे ना, जैसे बाबा की, नहीं बाबा की लेज़र भी उनके बाबा ने करवाई थी ना जब वो 18 इयर्स के हो गए थे, अब देन 20 इयर्स के, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं इसलिए। तिहामी ने मुझे कहा था कि मम्मा मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा चाहे मैं जल जाऊँ। इंतहा है तिहामी की मुझे केयर करने की, कि बेशक वो जल जाए ये नहीं मैं बता सकती। चाय बनानी है तो खुद बनाओ, देख लो। ओ इस लड़के को टी बैग नहीं खोलना आता, ये कैसे बेटे हो, कैसी चाय बना के दोगे मुझे आप? चलो मैं आपको, मैं देखती हूँ कैसे आप डालते हो, आपका हैंड जल जाता है? नहीं ओए ना 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 ना, छोड़ो 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 छोड़ो, बॉइलिंग है ये, सही करो उसको। वन मिनट वैसे मेरा बेटा वाकई नहीं चाय बना के दिया। छोड़ो छोड़ दो उसको बेटा, छोड़ दो। मतलब मैं मीठी चाय नहीं पी सकती, आपने कुछ नहीं डाल के दिया इसके अंदर, कोई चीनी नहीं, कोई आप चीनी तो मांगते ही नहीं है, तो स्वीटन लो। स्वीटन लो चाहिए? हाँ जी। परा कितने हटे हो? मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकती, चाय अच्छी बनाओ मेरे लिए बस। हाँ ये लगे हमें है जो क्रेजी गाय, देखो जरा इसने मुझे कैसी चाय बना के देनी है। चलो खोलो उसको, डली है नहीं, बंद करके रख दिया, ये टंग क्यों बाहर आ गई थी? जोर से खोलना पड़ता है ना। ओए ठहर जाओ। क्या ये हमने सारी अपने अंदर गिरानी है? ठहर चलो, आज मैं इतनी सी इतनी सी। मिशी को देखो जरा, स्कूप लेके चला गया आइसक्रीम स्कूप। ये कहाँ चढ़ा हुआ ये गधा? क्या मतलब कहाँ चढ़ा हुआ है? फ्रिज के अंदर क्यों घुस के चढ़ के खड़ा हो जाता है? आज मैं बहुत सरकास्टिक हुई मैं आपके साथ, पता है आपको? इतना सा ये नहीं मैं बता सकती, आपने बनानी है ना, एक चाय नहीं बनानी आती आपको? क्या फोहड़ हो आप? फोहड़ का मीनिंग पता है? क्या मतलब? मतलब है कि ये वाला बच्चा जिसे चाय नहीं बनानी आती। मेरी बात सुनो, कल को मैं टीम मैन तो नहीं हूँ ना, कल को आपकी शादी होगी और आपको चाय लानी पड़ी लड़की वालों के सामने, तो क्या करोगे? तो आप बना के देंगे, मैं कौन सा नौकर हूँ? तो आप बस पकड़ के ले जाओगे ना सर्व करने? टी बैग सही है या नहीं?
नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे बताओ कि आप सर्व करोगे उनको? हाँ तो और क्या। हाय अल्लाह, लड़के कब सर्व करते हैं लड़कियों को? लड़कियां लड़कों की फैमिली को सर्व करती हैं। बिस्ती ना करा देना, वहाँ पे चाय लेके आ जाएगा सबके सामने। मैं नहीं लेके आऊंगा यार, मैं बैठाऊंगा उधर, मैं उधर बैठाऊंगा। आप जाके नौकर नौकरों की तरह जो है आप चाय बनाइए और ला के देंगे। ओ यानी कि आप फैमिली के आगे ये प्रिटेंड करो कि मेरी मम्मा नौकर है? नहीं लेकिन होंगी मैं नौकर ही, है ना? वही जल जाएगा मुंह। सही आपने कहा था मम्मा, चाय में आपको बना के दूंगा, चाय में बेशक जल जाऊं। वाकई जल गया। कितने जा रहे स्पून भी लेके जा रहा है जी। बॉल को स्पून से खेलेगा वो। इमिशी का बैट है। ओए। अभी नहीं, अभी चलो चले। नहीं स्पून को स्पून के ऊपर बॉल बैलेंस करके दिखाएगा। कैसा है बर्गर? अच्छा मजा आ रहा है। इधर मेरे साथ आके बैठो ना और साथ साथ व्लॉग में बात करते हैं। इस बर्गर का नाम है ग्रैंड चिकन। और ये गॉडफादर है उसका, मैक्सिकन बर्गर का। अच्छा वाओ। ये मिशी नाउ इट्स माय टर्न। भाग जाओ भाग जाओ। एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी ते हमी बेटा उससे भी तो खेलो। ओ बेटा उससे भी खेलो, ले उसे भी पार्टिसिपेट करवाओ ना। ओए किक करके दिखाओ मामा, किक करके दिखाओ। वाओ मिशी तो भाई ये दोनों सही पूरा आते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों इवल हैं। आप दोनों इवल हो पता है? वो भी फिर मारता है ना ते हमी को हर वक्त, तो इसलिए वो मारता है आपको हर वक्त, आप उसे तंग करते हो वैसे, ये बात तो है। वो देखो नहीं नहीं ट्रैश क्यों करना है, चले मुझे चिकन दे दें फिर इसका, क्योंकि वो मैं ब्रेड तो नहीं खाऊंगी। आपके इसमें से चिकन मैं खा लूं फिर? जी। ओके थैंक यू। शायद आप क्यों नहीं लेंगे, आप खा लेते। ड्रिंक नहीं है यहाँ पे कोई, पानी भी नहीं ज्यादा लेके आई मैं। एक हाथ से कितने मुश्किल होते हैं काम। बस हो गया हो गया। थैंक यू। चलो आपके दो small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel alive. It's just what Mishi. मिशी मामा को देख, ओपन करो बॉटल। ड्रिंक रेडी हो गया है ना? इने? इने? शोल्डर्स देखे कैसे स्टिफ किए मैं।
स्टार्ट योर मॉर्निंग विद अ स्माइल. मैंने इनडायरेक्टली शहजाद को दिखाया कि शायद मुझे लेने दें, लेकिन मेरे पास इतने मार्क्स हैं कि शहजाद मुझे लेने नहीं दे रहे. चलें जी नेक्स्ट नेक्स्ट. हालांकि इसमें अगर कुछ ड्रिंक डाला हो. उल्टा ये कहा गया है कि लेना है, मैंने कहा नहीं, पर अपने ऊपर ले लिया, फ्रॉड है. दिल मेरा यही था कि आपके हाँ ले लो. ये लेते हैं लस्सी के लिए. बैग्स एंड लंच बॉक्सेस. हाँ सही, लस्सी के लिए. लस्सी के लिए चाहिए आपको? नहीं यार, मजाक है. मैंने भी बदला ले. जब हम एक दूसरे को उल्टा जवाब देते हैं, अगले को समझ आ जाती है नहीं, इसने चीज़ लेने नहीं देनी. स्पेशली लंच बॉक्सेस है ना. तय बाबा, आपने कभी मम्मा को देखा नहीं अकेले शॉपिंग करते हुए? मैं मम्मा के साथ जाता हूँ ना, तो मम्मा गोस क्रेजी फॉर बैग्स एट द टाइम. टू बैग भी लग जाता है. आपने मुझे करंट पड़ी है मुझे आपसे. सही हुआ. दैट्स माय रिवेंज. आज मेरे इतने एनिमी क्यों आप? ये वाले हैं जो आप मेरे से कह रहे थे कि मैंने कहाँ से लिए. ये उथेम से लिए हैं, उथेम मॉल में जो उथेम है, और अब सिर्फ थ्री रह गए हैं. इसी की वजह से मैं सीवन खत्म हुए. हाँ तो हमें फिर टॉन्ट कर रहे आज मुझे. चलो इसी की वजह से मम्मा का थोड़ा सा मम्मा की रिलैक्सेशन हुई है. मम्मा रिलैक्स हो गए कि मेरे पास पतीले हैं. आप मुझे टॉन्ट करें, मैं भी आपको टॉन्ट करती हूँ. रोजे की शर्ट पहन के निकल आते बाहर. हाँ हाँ जब से तिहामी के ऊपर मैंने डाला ना कि उसने अपनी मर्जी से चेंज करना, तो वो बेचारा चेंज तो करता है लेकिन एक ही शर्ट रोज पहन लेता है. ऐसा ही है ना. हाँ हाँ अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मेरा बर्थडे आया था, तो हम पाकिस्तान गए थे, तो अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था. मशीन के ऊपर लगा टिक 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 टिक. मिशी की हैप्पीनेस देखो, तय वो देखो. वो देखने वाली मिशी का फेस देखने वाला है. मिशी लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो? बोलो लैप का. मिशी लैपटॉप को कहते हैं लैप का. और आज मैंने इसको फाइनली लैप का ले लिया. उसकी एक्साइटमेंट देखो ना, वो इधर उधर ले लेके बैठ रहा है मम्मा की तरह. आप 3 years के थे तब. आप इतने अच्छे बच्चे थे, आपने देखो अब तक संभाल के रखा हुआ है. हाँ और ये मिशी 2 दिनों में तोड़ देगा देखना. 4 years हो गए इसको. 4 years हो गए मैं इसको लेके चला. 5 years. You're 8 years old ना. इस वक्त रात के बज रहे हैं 1, और देखने से ज़रा नहीं पता चल रहा कि ये इस घर में सोने का टाइम है. तो मैंने आपको दिखाना था, ये देखें मेरे हेयर कितने शाइनी. पहले भी अच्छे हैं मेरे बाल, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत शाइनी हो गए हैं. और हेयर फॉल जो है वो पहले से बहुत कम है. ऑलरेडी मेरा हेयर फॉल भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हेयर फॉल सबका होता है, स्पेशली जो डाई लगाते हैं बालों में. तो मैं डाई लगाती हूँ तो मेरे जो है वो हेयर फॉल होता है. तो ये देखें कितने शाइनी हैं. और ये मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, ताकि वो वीडियो दोबारा नहीं देखनी पड़े पूरी. उसमें मैंने 3 से 4 tablespoons ऑलिव ऑयल लिया था, और उसमें 1 अंडा मिक्स करके मैंने सर पे लगा लिया था, और 1 घंटे बाद मैंने वॉश कर लिया था.
उसको अच्छी तरह से मैंने मसाज भी किया था रूट्स में, और थोड़ी देर ही आप मसाज करते हैं तो वो एग जो है ना वो थोड़ा ड्राई और स्टिकी सा होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली छोड़ दें क्योंकि ज़बरदस्ती अगर मसाज करेंगे तो फिर बाल टूटने लग जाएंगे। तो मैं अपर कर रही हूँ इस वक्त, और जो दोनों बच्चे हैं और शहजाद है वो दूसरे रूम में PS4 खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। मैं सबसे पहले तो ये कि लोग मेरे से अपवर्क का पूछते हैं और ये क्या है और इस पर कैसे जॉब करनी है। अपवर्क है UPWORK upwork.com, इस पर जाकर सिंपली जैसे प्रोफाइल बनाते हैं उस तरह प्रोफाइल बनाएं और जॉब के लिए अप्लाई करें, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर आप अर्न करने लग जाते हैं। और उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होता है या पियोनियर कार्ड है। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाई हुई हैं वो मेरे चैनल के बिल्कुल स्टार्ट में, तो मैं उनको ढूंढ के और मैं इधर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी वो। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी वीडियोस अच्छा है देखेंगे, मुझे व्यूज़ मिलेंगी, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ वो वीडियो देख के आप कन्फ्यूज़ होंगे, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो इन डेप्थ सारा प्रोसीजर है। सिंपली आपने प्रोफाइल बनानी है और जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है, बस ये। एक और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है इनफैक्ट वीडियो रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मिशारी की फूड रूटीन जो है ना वो बताएं कि सुबह से रात तक क्या खाता है। तो सुबह से रात तक सिर्फ स्ट्रगल होती है, और ये रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं बना रही। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाना चाहती जिसमें मिशारी बहुत हैप्पी गो लकी चाइल्ड है और वो उसको जो मैं खिलाती हूँ वो सब खा लेता है और इस तरह से प्रिटेंड करके, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि मिशारी जो है ना सॉलिड्स पे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ऑल दो इस एज में बच्चों को कम्प्लीटली आ जाना चाहिए, और मेरा मानना ये है क्योंकि तिहामी इस एज में पूरी तरह से सॉलिड्स पे था, तो मिशारी का दिल ना करे तो मिशारी रोटी का पीस भी नहीं पकड़ता। तो खैर मैं उसको चिकन वगैरह जो है ड्रम स्टिक्स में बना के रखती हूँ वो देती हूँ, या घर पे जो भी खाना बना होता है ना वो मैं उसकी जो हाई चेयर है उसकी ट्रे में वो खाना ज़रूर रखती हूँ। तो बस इस एज में कुछ परहेज़ नहीं है बच्चे के लिए, आप सब कुछ उसको दे सकते हैं, तो हर चीज़ ट्राई करते रहें, जो खाएं उसको ज़रूर दें। एक टिप है वो ये है कि बच्चा जब बिल्कुल भूखा होगा ना, इस एज के बच्चे बिल्कुल फैमिश्ड हैं, उस वक्त अगर आप उसे अपनी मर्ज़ी खाना देने लगेंगे तो वो रोते जाएंगे, वो उसको भी नहीं खाएंगे। एटलीस्ट मेरे दोनों बच्चों के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है, उसका थोड़ा बहुत पेट भरा हो, थोड़ी बहुत उसको भूख हो, उस टाइम पर आप अपना खाना खाएंगे तो वो आपका खाना ट्राई करेगा, और ऑब्वियसली अगर पेट आपने उसका भरा के पहले और फिर आप खाना खा रहे हैं तो फिर भी वो ट्राई नहीं करेगा। सो ये एक टिप है। और उसके अलावा हाँ, मेन क्वेश्चन कि आपको डायबिटीज़ है, वो लास्ट वीडियो के ऊपर जो है वो किसी एक ने पूछा और मैंने जवाब दिया, उसके बाद वो कमेंट्स जाहिर है सारे पढ़ते हैं तो वो सारों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया। तो डायबिटिक होने में और प्री डायबिटिक होने में बहुत फ़र्क है, और मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में कंसर्न है कि जाहिर है इसी एज में डायबिटीज़ हो गई है तो ये आगे जाके कैसे मैनेज करेगी और क्या होगा इसका, क्या बनेगा। तो ये है कि सेहत, बीमारी, ज़िंदगी, मौत अल्लाह के हाथ में है, वक्त आएगा देखी जाएगी, मैनेज कर लेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन ये है कि मैं मिशारी की दफ़ा जब प्रेगनेंसी थी मेरी तो उसमें मैंने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में आइस लॉलीज जो है ना बहुत ज़्यादा खाई थी, इतनी ज़्यादा, और आपको पता है वो निरी शुगर होती है, बहुत ज़्यादा आइस लॉलीज इस तरह के दिन में चार पाँच आइस लॉलीज में खाती थी। गर्मियाँ थी और मुझे बहुत सब गर्मी लगती थी और मैं यही खाती रहती थी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब मेरा शुगर का ब्लड शुगर का टेस्ट हुआ तो मेरी थोड़ी सी बॉर्डर लाइन से जो भी रेंज होती है नॉर्मल उससे थोड़ी सी ऊपर थी, और इतनी कम ऊपर थी कि डॉक्टर ने कहा कि मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है और बस डाइट से हम मैनेज कर लेंगे। तो लेकिन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है वो फ्यूचर के लिए प्री डायबिटिक हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें टेंडेंसी है कि लाइफ के किसी भी हिस्से में उनको डायबिटीज़ हो सकती है। और मेरी फैमिली में डायबिटीज़ भी है और मेरी फैमिली में हाइपरटेंशन भी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा उस साइड पर आती हूँ, ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आपको अब चाहे एक दिन में, एक साल में, अगले 10 साल में, जब भी आप परहेज़ नहीं करेंगी आपको हो सकती है। तो मैंने ये देखा है कि मैं सारा हर तरह का मीठा भी खाती हूँ, हर चीज़ खाती हूँ, लेकिन बस कंट्रोल में रहती हूँ। मैं चॉकलेट अगर खानी है तो एक दिन में, जैसे वो मिनी चॉकलेट्स होती हैं बाउंटी या मार्स इस सारी चीज़ें, वो खानी है तो एक दो खा ली, ये नहीं कि अब मैं मीठा खाने बैठी हूँ तो सारा दिन मीठा ही खाए जा रही हूँ। जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन
टेबल शुगर जो है ना वो मैं अवॉइड करती हूँ, और जो डिज़र्ट्स वगैरह भी हैं वो भी एक लिमिट में, जैसे पर सर्विंग जितनी भी आप खाते होंगे उतनी मैं ले लेती हूँ, लेकिन जो एक्स्ट्रा मीठा है कि बार बार अगर रसमलाई बनाई है तो दो तीन बार खाने का दिल चाह रहा है तो उस तरह मैं नहीं करती, या फिर जो डायरेक्ट शरबत हैं रूह अफ़ज़ा या इस तरह की चीज़ें वो मैं नहीं पीती, और टेबल शुगर मैं बिल्कुल नहीं लेती। मतलब मुझे यही समझ में आता है कि इस तरह से मैं अपनी डायबिटीज़ जो अगर हो सकती है मुझे तो मैं उसको आगे भेज सकती हूँ फर्दर। और दूसरा ये कि जो मेरी डी क्लटर वाली वीडियो थी बेडरूम वाली, उस पर आप सब ने मुझे बहुत डांटा है और उस पर मुझे भी आपसे शिकायत करनी है। मतलब मैं एक हूँ और कमेंट ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन हर कोई आप लोग अपना फ़र्ज समझ रहे थे मुझे डांटना, और सारे के सारे मुझे कह रहे थे कि जी इत्तेहामी भी आ गया इधर आओ। आपको पता है मुझे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से डांट पड़ी थी। क्यों? मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? जो करें डांटनी पड़ी थी। अच्छा, तो उसमें ये है कि आप लोग कह रहे थे कि ये चैरिटी कर दो और इस तरह से फेंक दिया है उस तरह से फेंक दिया है, तो कह रही हो ये भी ट्रैश है ये भी ट्रैश है, तो वो मस्ती का मूड था। कभी कभी मैं इस मूड में होती हूँ और आपने देखा है कि मैं सर पे भी चीज़ें पहन रही हूँ, मतलब वो मस्ती का मूड था। और जस्ट ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझे जानते हैं मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। लोग जो ऐसे कह रहे थे, जो लोग सजेस्ट कर रहे थे ना कि आप ऐसे कर लें, आप कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान ले जाएँ वहाँ पर किसी को बांट दें, कुछ कह रहे हैं यहाँ पर बिन्स होते हैं वहाँ पर डाल दें, तो यह कि वो मशवरे सब ठीक हैं, क्योंकि लोगों का लगा कि शायद मैं वाकई ट्रैश कर रही हूँ तो मतलब ट्रैश ही कर रही हूँ। तो वीडियो में एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और ना ही एक इंसान हूँ, मेरा भी एक माइंड है, मुझे नहीं पता है कि किस वक्त कौन क्या सोचेगा, किस चीज़ को कैसे प्रसीव करेगा। तो बेसिकली इस चीज़ पे क्लैरिफिकेशन देनी कोई बनती नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जो भी कर रही हूँ ज़ाहिर अपने अमाल की खुद ज़िम्मेदार हूँ, लेकिन अपने सब उन सिस्टर्स के लिए कि जो मुझे मशवरे देती हैं और जिनको मैं मशवरे देती हूँ और हम बड़े प्यार से मिलजुल के चलते हैं, उन सब ने भी एतराज़ किया था, बस इस वजह से उन सबको क्लियर करने के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं हेटर्स की बातों को तो बॉदर भी नहीं करती हूँ, आपको पता है। तो वो आप सारी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स मेरी नौश फैम का हिस्सा है, आप सबको बता दूँ कि मैं ऐसी पत्थर दिल नहीं हूँ। और दूसरी बात कि हम हलाल कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, और शहजाद भी जॉब करते हैं, और मैं घर पे बैठ के दो यूट्यूब चैनल्स पे काम करती हूँ, उसकी अर्निंग कमाती हूँ, और फिर अपवर्क से भी कमाती हूँ। तो इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, तो हम लोग उनको उठा उठा कैसे ट्रैश में एक्चुअल में फेंकेंगे? तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोगों से शायद हो सकता है कुछ लोगों से वीडियो मिस हो गई हो मेरी, अब मुझे भी नहीं पता वो कौन सी वीडियो में, लेकिन मैं पास्ट में दिखा चुकी हूँ, लेकिन ये दमाम की वीडियोज़ में ही है कि मस्जिद के बाहर कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, जिसमें आप अपना सामान सॉर्ट करके तो डाल सकते हैं। तो बैग्स जो हैं, बैग्स, शूज़ और क्लोथ्स और बुक्स, तो ये सारी चीज़ें डाली जा सकती हैं। ज्वेलरी वगैरह जो है वो वैसे भी नहीं डाली जाती। और दूसरी बात ये कि वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ऑब्वियसली वो मैं नहीं डालूंगी, तो वो मैंने सारी की सारी ट्रैश ही की थी। और बाकी जो चैनल पे आके नेगेटिविटी अब स्प्रेड कर रहे थे, अब चूँकि बात कर ही रही हूँ तो उनको भी मैं एड्रेस कर दूँ कि आप अगर ये कहते हैं, आपको फिर कोई मेरे बिहाफ पे कोई आपको जवाब देने आए तो आप उनको ये कहते हैं कि यहाँ से जाओ, बात ना करो मेरे से, और ख़ुद आपका दिल चाहता है गलत बातें करने का। और फिर यह कि साथ में आप कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि शो ऑफ कर रही है, चलें आप कह लें, मैं कुछ नहीं आपको कह सकती। कोई कह रहा है कि ये दिखाने के लिए कैमरा में करिए, बाद में वापस समेट लेगी, तो आपकी जजमेंट कमाल की हैं और आप बहुत जजमेंटल इंसान हैं, और पता नहीं रियल लाइफ में आप कैसे मैनेज कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं उस चीज़ पे भी कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो आप लोग ये कहते हैं ना, कोई आपको आके मेरे बिहाफ पे रिप्लाई कर रहा हो तो आप उन्हें कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं इस पर कुछ भी कह सकती हूँ। एक बात जहन में रख लें कि यूट्यूब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उस पे ये नौश व्लॉग्स मेरा पर्सनल चैनल है। जो इस तरह की बात करेंगे नेगेटिव और बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई, तो उस कमेंट को भी मैं डिलीट करूंगी और उस यूज़र को भी मैं हाइड कर दूंगी, यानी कि ब्लॉक कर दूंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप तरह तरह के आईडीज़ या दूसरों को कह के आके नेगेटिविटी स्प्रेड करें, जो भी करता जाएगा, मेरे पास मेरे लिए आसान है कि मैं उनको डिलीट करती जाऊंगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सुन सकती हूँ, ऐसी रीज़न होती तो मैं ये इसके ऊपर से सारे कॉमेंट्स डिलीट कर देती, जो भी मुझे मशवरे दे रहे हैं, जो भी कह रहे हैं नहीं आप ऐसे ना फेंकें, क्या करें हमें तो देख के दुख हो रहा है, ये किसी गरीब के काम आ जाए, मैं सब डिलीट कर देती। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आपको मेरी बात
पॉइंट समझ में नहीं आया था तो वो मैंने अपनी प्यारी बहनों को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जो मेरी जो नॉन प्यारी बहनें हैं उनको मैं ये बता रही हूँ कि आपको कोई राइट नहीं पहुँचता है कि ये मेरा चैनल है और इस पर जो है वो एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करने का, या फिर आपको जो है वो मेरे बारे में नेगेटिव बातें करके टीम अप करने की आपको मैं अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म यूट्यूब है पब्लिक, इस पर ये मेरा चैनल मेरा पर्सनल चैनल है। अगर मैं अपने यूट्यूब पर वीडियोज़ पब्लिश करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक को अलाउ करूँ कि मेरे बारे में आके गालियाँ देते रहो या मेरे बारे में आके गलत बातें करते रहो और मैं सुनती रहूँ बैठ के, क्योंकि ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आके आपने जो बातें करनी है यूर मोस्ट वेलकम, लेकिन आप डिलीट हो जाएंगे और आप ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर आपकी मिजरी ये होती है कि आप ब्लॉक भी हो जाते हैं लेकिन फिर आप देखने से बाज नहीं आते। तो मुझे तो व्यूज़ मिलते रहते हैं ना, सो थैंक यू वेरी मच, लेकिन यह कि मैं अपने चैनल पर कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल भी फैलने नहीं दूँगी। सो ये मैंने बताना था, तो चलें इसके साथ ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी क्लैरिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी, और जो मेरी अच्छी अपनी वाली फैमिली हैं और जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, उन सबको मैंने क्लियर कर दिया। और आई एम सॉरी अगर आपको इस तरह लगा है, तो बिल्कुल भी हम लोग हार्टलेस नहीं हैं, बिल्कुल भी इस तरह के नहीं हैं, आप अब तक तो जान गए हैं, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने एटलीस्ट खुल के आपने भी बोला है कि अगर इसको ये चीज़ नहीं पता है तो चलो उसमें मेरा ही फ़ायदा है ना, मुझे ही सवाब होगा कि अगर मैं नहीं सोच रही हूँ और मैंने एक्चुअल में अगर ट्रैश करनी है तो आप मुझे गाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। और लेकिन मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी हम लोग ऐसे ही करते हैं, और इंसानियत के नाते भी, और दूसरी बात कि हलाल की हमारी कमाई है, तो अगर मैं उसको सामान को ऐसे फेंक रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको जो है वो कचरे में ही फेंकूंगी। हाँ, जो चीज़ें किसी ने मुझे ये भी मशवरा दिया था कि अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कोक में डाला जाए, सारी रात रखा जाए, मुझे नाम तो याद नहीं रहते हैं लेकिन वो सही हो जाती है, तो उस वक्त तक मैं वो ज्वेलरी जो है वो ट्रैश कर चुकी थी, तो मुझे नहीं पता, तो नेक्स्ट कोई मैं देखूंगी तो वो उस पे जो है फिर मैं ज़रूर एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, और आई होप आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और मेरी क्लैरिफिकेशन जो है वो आपने एक्सेप्ट कर ली होगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।